नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दतिया, मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2004 में प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को पेंशन देना बंद कर दिया था, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इस वर्ष जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए उनके खातों में पेंशन के नाम पर इतनी कम राशि आई कि परिवार का पेट भरना भी कठिन हो गया। इस संबंध में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने मीडिया को बताया कि वे पुरानी पेंशन प्रक्रिया बहाल करने का मुद्दा विधानसभा और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी न आए। पेंशन मिलना कर्मचारियों का अधिकार है, जो उन्हें मिलना ही चाहिए। मामला है ये शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की। जी, हम कर्मचारियों की समस्त विभागों के कर्मचारियों की 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनकी जो है पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। तो आज हम सब लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करी जाए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया है, तो हम मध्य प्रदेश सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि हम लोगों की भी पुरानी पेंशन बहाल करी जाए। और आप लोगों की जो अनुकंपा नियुक्तियां बंद की हैं उसका क्या है, उसके लिए? जी हाँ, अभी हम जो है कर्मचारियों की जो कार्यकाल में सेवा में डेथ होती है तो उन कर्मचारियों के अभी जो बच्चे हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति सीधी नहीं है। तमाम ऐसे नियम हैं कि जिनमें उलझ के रह जाते हैं और उनकी सीधी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पाती है। शासन ने आपकी पेंशन क्यों बंद की है, क्यों नहीं देना चाहती है शासन? अब सीट से उस समय जब पेंशन बंद की गई थी तो हो सकता है उनके दिमाग में एक ही बात चल रही हो कि जब तक सेवा है तब तक कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, रिटायर होने के बाद इनका कोई काम नहीं रहता है तो बजट ज्यादा होता होगा या जो भी है बजट बचाने के चक्कर में हम लोगों की पेंशन बंद कर दी गई। यदि इनने पेंशन बहाल नहीं की तो क्या कोई आंदोलन करेंगे आगे? जी, कल इसको लेके हम सभी संगठनों की बैठक है भोपाल में और कल हम लोग रणनीति तय करेंगे। यदि हम लोगों की, वैसे तो हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हम लोगों की पेंशन बहाल करी जाए, मध्य प्रदेश सरकार के जो है स्वयं का निर्णय है, यदि वो चाहें तो बहाल कर सकते हैं। यदि हम लोगों की पेंशन बहाल करने का निर्णय सरकार नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर हमें आगे आंदोलन की राह पकड़नी होगी। मैं सुनील शर्मा, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस दतिया, मैं शासन से मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली परेशानियों, जो कि अभी 1,000-2,000 रुपये जो पेंशन मिलती है उससे मुक्ति मिले और सभी का जीवन आसान हो। सर, जो कर्मचारी संगठनों ने सेवड़ा में गत दिवस ज्ञापन दिया था पेंशन वाली को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन दिया था और उनकी मांग पूरी तरह से जायज है। जब से नई पेंशन योजना शुरू हुई है, शायद इस वर्ष पहली बार कुछ लोग रिटायर हुए, उनको पेंशनें मिली, तो किसी की 1,000 रुपये, किसी की 1,100, किसी की 700 रुपये महीना पेंशन फिक्स हुई, जो हास्यास्पद है। जो भी सरकार ने योजना बनाई हो पूरी तरह से फेल है, इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जानी चाहिए, ये उनकी मांग थी और मैं भी उससे सहमत हूँ। इतनी कम राशि में कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकेगा? स्वाभाविक बात है, कोई नहीं सोच सकता है कैसे कर सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए जब इतनी बड़ी विसंगति कोई सामने आई है तो सरकार को कभी संकोच नहीं करना चाहिए, अपना निर्णय बदलने के लिए। पुरानी पेंशन स्कीम पुनः बहाल होनी चाहिए, नई पेंशन स्कीम का कोई मतलब नहीं है, उससे समाप्त किया है। कर्मचारियों की पेंशन को लेकर क्या आप विधानसभा में? हाँ, सत्र परसों से शुरू हो रहा है, उसमें मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।